इस प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज किया। ही में एक रिपोर्ट चल रही है सोशल मीडिया पर, वो हमारे पानी का, पानी इंसान का हयात है, जिंदगी है, अगर जिंदगी ही खत्म हो जाए तो फिर इंसान जिंदा नहीं रहे। तो यकीनन इस एरिया में पानी का जो पॉल्यूशन होने की बात है वो एक कन्फर्म बात है। इतनी आबादी इस तरफ जा रही है, इतने कचरे पानी में आ रहे हैं, इतनी गंदगियाँ पानी में आ रही हैं। उन्होंने अपने जो है ना हिस्से की क्षमा जलाई, ठीक है, बाकी जो है ना हर बिगाड़ने वाला बहुत सारे हैं, बनाने वाले बहुत कम हो गए हैं। तो इन्होंने यहाँ पर एहसास करते हुए अपनी जिम्मेदारी का मुजाहरा करते हुए इन्होंने अपनी जो है हिस्से की क्षमा जलाई। तो अब जो है कोई भी बंदा जो है पूरे इलाके को एक दिन या दो दिन साफ नहीं कर सकता, जब तक हमारे अंदर की जो है ना इंसान जो है ना साफ सुथरा ना हो। अब माहौल को साफ सुथरा करना हमारे बस की बात नहीं है, कोशिश हम ज़रूर कर सकते हैं लेकिन हम नामुमकिन मुश्किल को मुमकिन भी बना सकते हैं। लेकिन आप लोगों ने जिस जो है ना नेक काम का नौजवानों ने गहोरी ने आगाज किया है वो इंतहाई काबिल तारीफ अदम है, और आपकी वजह से बहुत सारे लोग जो है ना अपने जगह पर सोचने पर मजबूर होंगे, यार मैं भी इस माशरे का हिस्सा हूँ और मेरी वजह से इस माशरे में जो गंदगी फैल रही है, और वो अपने ज़मीर के सामने वो जागते होंगे। कम अज़ कम वो तो सोचेंगे यार मैं तो कुछ नहीं कर सका, बाकी ये लोग जो कितने अच्छे हैं, इन्होंने माहौल को साफ़ सुथरा रखने के लिए, जब माहौल साफ़ होगी तो हमें साफ हवा मिलेगी। उरूज आदम खाकि से अंजुम सह में जाती है कि एक उठा हुआ आराम सबसे पहले डी सी साहब का मशहूर हूँ कि आप यहाँ आकर ऐसो गोहरी वालों की हौसला अफजाई की, और इसके बाद में म्यूनसिपल का जो ऑफिसर है किसान साहब का शुक्रगुजार हूँ। इसके बाद में पूरा ऐसो मेंबर का शुक्रगुजार हूँ कि आप लोग यहाँ आकर एक अवेयरनेस पैदा किया कि किस तरीके से माहौल को साफ और क्लीन रखें, और कचरे ऐसे कर रहे हैं कि हमारे बस की बात नहीं है। सर हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि आप और म्यूनसिपल के अफसर जनाब नासिर साहब से रिक्वेस्ट करते हैं कि आप लोग यहाँ पर कुछ न कुछ यहाँ पर डस्टबिन ला कर कुछ न कुछ इंतजाम करें ताकि आने वाले वक्तों के लिए ये एरिया साफ और क्लीन रहे। आने का हो रहा है, हमने एक सफाई मुहिम का आगाज़ किया है, तो इंशाल्लाह बल्दिया खरवंग चूँकि अभी बिल्कुल नया महकमा है, अभी हमारे पास बिल्कुल बंदे ना होने के बराबर है, इंशाल्लाह हमारी ताउन आपके साथ भरपूर रहेगा, और इंशाल्लाह आप सब से भी उम्मीद करता हूँ कि आप लोग भी अपने ताउन इंशाल्लाह जारी रखेंगे, तो इंशाल्लाह मिल के हम अपने इस इलाके को साफ करेंगे। आप लोग हिमालय टाइम्स, इंसानियत की आवाज़।